मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद भी अब तक सीएम कौन बनेगा यह तय नहीं हो पाया। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों के बीच संग्राम छिड़ा है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच पेच फंसा हुआ है। पार्टी छत्तीसगढ़ में भी अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। अब ऐसे हालात में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के फैसले का इंतजार है। आज सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के घर पहुंची है, प्रियंका गांधी भी राहुल के घर पर है। ऐसे में यह पूछा जा रहा है कि क्या नए सीएम को चुनने में सोनिया और प्रियंका की भी सलाह ली जा रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीएम पद के दावेदारों के समर्थक अपने अपने नेता के लिए मैदान में है, यह राहुल गांधी के भी नेतृत्व की परीक्षा है। तो हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं भोपाल में, जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं और दूसरी तरफ कमलनाथ के समर्थक हैं। ठीक वैसे ही जैसे कल जयपुर में एक तरफ सचिन पायलट के समर्थक थे और दूसरी तरफ अशोक गहलोत के समर्थक। आज दिन में कहा गया कि शाम 4 बजे तक जयपुर से ऐलान कर दिया जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। खबर यह भी आई कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों राजस्थान के लिए जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन बाद में कहा गया कि दोनों को ही पार्टी ने जयपुर जाने से रोक दिया है। यानी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है मध्य प्रदेश में भी, भोपाल में भी और छत्तीसगढ़ में भी। ऐसे में सवाल ये कि जनता ने चुने पर क्या पार्टी में है अनसुने सीएम वही जो राहुल मन भाए? तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान होंगे। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ होंगे, रागनी नायक हमारे साथ होंगी, सुधींद्र भदौरिया होंगे और साथ ही मनीषा प्रियम, शशि शेखर और आलोक मेहता, तीन राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले आपको लेकर चल रहे सीधे भोपाल, जहां सईद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, वहां जहां पर टकराव की स्थिति आ गई है दोनों पक्षों में। एक तरफ ज्योतिरादित्य के समर्थक हैं और एक तरफ कमलनाथ के समर्थक हैं। बड़े बड़े नेता बाहर समझाने के लिए आ रहे थे। सईद अंसारी, क्या स्थिति है इस समय वहां पर? स्थिति वाकई रोहित बहुत खराब है। हम आपको दिखाएं, फूल है, माला है, शोर है, शराबा है और सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दो गुट हैं, गुट ज्योतिरादित्य सिंधिया का, गुट कमलनाथ का, और वो गुट सिर्फ ये चाहता है कि अगर आप हमारे नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। ये बात बिल्कुल बहुत साफ तौर पर इन नेताओं ने कह दी है। ज्योतिरादित्य के पोस्टर आपको दिखेंगे, कमलनाथ के दिखेंगे सड़कों पर। रोहित, यहाँ पर कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दे दी गई है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने पर बधाई, इस तरह के पोस्टर यहाँ पर चिपका दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री को लेकर जो सुबह हम चर्चा कर रहे थे वो थ्योरी अभी खारिज नहीं हुई है। वो उस थ्योरी में एक नाम और जुड़ गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के तुलसी सिलावट, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो उप मुख्यमंत्री हो सकता है, और अगर ये सिंधिया गुट का हुआ तो सिंधिया गुट की तरफ से एक नाम तुलसी सिलावट का भी सामने आ चुका है। लेकिन यहाँ जो स्थिति थोड़ी देर पहले थी, देखिए फूल मालाओं से स्वागत हो गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को फूल माला उनके समर्थकों ने पहना दी है और ये साफ कह रहे हैं कि आप माने या ना माने, हमने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है, हमने मुख्यमंत्री बना दिया है। लेकिन आज आप ये मत सोचिए रोहित कि घंटे, दो घंटे, चार घंटे में ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान जो दिल्ली से होगा उसके बाद भी काफ़ी मुश्किल होने वाली है। उसके बाद भी ये नाटक चलता रहेगा और हो सकता है, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर बेकाबू होते हुए हमें दिख रहे थे। हमारे साथ इस वक्त हमें अभय दुबे जी आते हुए दिख रहे हैं। अगर हम अभय जी को यहाँ पर रोक लें तो अभय जी समझा पाएं ये हो क्या रहा है, क्यों इतनी गुटबाजी है? गुटबाजी का प्रश्न ही नहीं है। अभी आपने देखा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के भी नारे लगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ जी के जिंदाबाद। क्या कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया है इसमें? अभय जी, क्या कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया है? देखिए सेंस ऑफ पोस्टर लगे हुए, सेंस ऑफ दी हाउस लगे हुए। देखिए मुख्यमंत्री कमलनाथ को बधाई, कार्यकर्ताओं के उत्साह है वो परिलक्षित और प्रतिबिंबित होता है। टकराव ये टकराव कहाँ बताइए कि
टकराव जब होता है सही जी, जब एक कार्यक्रम सुनिए, टकराव अभी एक टकराव सुन लीजिए, टकराव जब दूसरा गुट नीचे गिरा रहा है, टकराव जब कहा जाता है जब किसी नेता के विरोध, सुनिए ना, टकराव जब कहा जाता है जब किसी नेता के विरोध में नारे लगाए जाएं, अगर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस पार्टी तो हमने सुना ही नहीं, तो आप मैं यहाँ मौजूद था, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के भी नारे लगे, तो मुझको लगता है कि यही प्रजातंत्री व्यवस्था कांग्रेस की है और यही खूबसूरती अच्छा, है। देरी क्यों हो रही है इतनी? नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं मिले ज्योतिरादित्य? देखिए ये एक प्रक्रिया है, सेंस ऑफ द हाउस जो जीते हुए प्रतिनिधि है उनसे ऑब्जर्वर ने अपना उनका मंतव्य लिया है और उसके बाद इस बात का निर्धारण राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। सही इनसे पूछ के बता दीजिए सेंस ऑफ द हाउस क्या है, जो ये बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंस ऑफ द हाउस बता दिया गया है, वो सेंस ऑफ द हाउस क्या है जो जीते हुए प्रतिनिधियों ने ऑब्जर्वर्स को कहा है? सेंस ऑफ द हाउस क्या है? सेंस ऑफ द हाउस सिंह जी, समर्थक आप कांग्रेस दिग्विजय सिंह आ गए, देखिए आपके सामने नहीं है, ये सब अति उत्साही लोग हैं और इसमें कितने कांग्रेस के हैं कितने कांग्रेस के नहीं, ये भी एक जांच का विषय है। देरी बहुत ज्यादा हो रही है तो उनका जो उत्साह है जो आप कह रहे हैं उत्साह जो निकल के सामने आ रहे कहीं ना कहीं देरी की वजह से तो नहीं, ऐसा आपको लग रहा है कि सकता है उत्साही लोग हैं? लेकिन अब अगर कमलनाथ जी सीएम बनते हैं तो क्या सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं कि नकाब के बारे में उनका उनके नाथ खिलाफ FIR हुई, ना केस बना, ना चार्जशीट हुई, उसके बाद वो 85 में मिनिस्टर थे, 85 से 90 के बीच में, 93 में मिनिस्टर थे और 91 मिनिस्टर थे 96 तक, 2004 से मिनिस्टर थे 2014 तक, तो ये सब भाजपा कराती रहती है। संयम जवाब दे रहा है लेकिन कार्यकर्ता हूँ, आपको नहीं लगता ऐसा संयम जवाब दे रहा है बाहर? ऐसा नहीं है, इसमें कार्यकर्ता का उत्साह है और ये भी क्या मालूम है उसमें कांग्रेस के कितने हैं, भाजपा के कितने हैं और बिना किसी पोलिटिकल पार्टी के कितने हैं। अगर सिंधिया सीएम नहीं बनते तो फिर कैसे उनको वो किया जाए? कहीं ना कहीं अभी तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनमें एक आकर्षण है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे आकर्षक व्यक्ति है, बहुत अच्छे नेता है, उनका भविष्य है। कमलनाथ को मुख्यमंत्री लिख दिया गया है, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य के समर्थक हैं जो कटआउट लेकर ज्योतिरादित्य को माल्यार्पण कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। शाहनवाज हुसैन, आपने सुना दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ये सब हमारे हैं, ऐसा नहीं है, बीजेपी वाले भी हैं बहुत सारे, इसमें आपने अपने लोग उतार दिए क्या कि कांग्रेस में फूट दिखाई दे? नहीं, मुझे बहुत दुख है कि अपने समर्थकों को भी बीजेपी का वो बता रहे हैं। कोई बीजेपी का व्यक्ति क्यों जाएगा किसी पार्टी के दफ्तर में? उन दोनों के बीच में द्वंद्व है, कांग्रेस को ये सूट कर रहा है कि वो हर चीज़ बीजेपी का बता दे। एक तो मुश्किल से बहुमत मिला है, आपस में इतना बंटवारा है, अब ये उनको तय करना है कि कौन उनका मुख्यमंत्री हो। हम लोगों की कोई सलाह या मशवरा या हमारे कहने पर या हमारे समर्थक चले जाएं, इस पर तो तय नहीं होगी चीज़ें। लेकिन कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है कि हर नेता के कान में फूंक कर रखते हैं कि तुम्हें कुछ बनाएंगे, तो वो सब दिक्कत उनको आ रही है। वो तय कर लें, हमने तो पहले ही शुभकामना दे दी है। रागिनी नायक, अगर खींचतान है तो दिख रही है, उसको छुपाने की पर्दादारी करने की कोशिश क्यों, ये कह करके ये तो बीजेपी वाले हैं। देखिए अगर कुछ दिख रहा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश जुनून और जज्बे का उफान दिख रहा है। जितनी भी फूट की, भिड़ंत की और कुछ खटपट होने की अटकलें लगाई जा रही हैं रोहित जी, मैं कहना चाहूंगी कि अगर मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो जाए, ये निर्णय हो जाए और उसके बाद भी आपको इस तरीके का, मुझे लगता है अगर कोई टकराव दिखाई दे तब तो ये प्रश्न वाजिब है, लेकिन उससे पहले क्या कार्यकर्ता की मनस्थिति को नहीं समझना चाहिए? विफलता के चरम को छूने के बाद लगातार रोज हृदय भेदी कटाक्ष, उपहास और उलाहना झेलने के बाद यदि आज एक मौका मिला है उत्सव मनाने का, तो वो प्रदर्शित हो रहा है। लोग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खुशी है अपने अपने नेताओं के लिए
और क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी की ताकत है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत मजबूत नेता हैं और उन मजबूत नेताओं के जो कार्यकर्ता हैं वो चाह रहे हैं कि उनके नेता को प्रतिनिधि बनने का मौका मिले। अब आप कह रहे हैं, आज आपने बड़ी एक ये भी हेडलाइन चलाई कि नेता वही या मुख्यमंत्री वही जो राहुल मन भाए। अरे विधायक दल ने जब ये निर्णय ले लिया है कि जो अंतिम फैसला होगा वो राहुल गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष लेंगे, उसके बाद सर्वेक्षकों को बुलाकर हर एक कार्यकर्ता और हर एक विधायक जो मौजूद है उसकी राय शुमारी सम्मिलित की जा रही है और आप इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं मान रहे हैं। रागिनी नायक, जिस बैठक की आप बात कर रही हैं वो तो कल हो गई। मैं समझती हूं, उसने अपना निर्णय अपना प्रस्ताव वो भी कल भेज दिया, इस तरीके से आज शाम क्यों हो गई? सुबह का गया 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, बता देंगे राजस्थान का सीएम कौन है, और 4 बजे खबर आती है जिन दोनों को कंटेंडर माना गया उन दोनों को कहा गया है कि रुक जाओ अभी जयपुर मत निकलना। बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें रोहित जी समस्या कहाँ है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कल आप कल की बात कर रहे हैं, कल से खबर चल रही है सर फुटौल हो गया, भिड़ंत हो गई, मार पिटाई हो गई। सर फुटौल, भिड़ंत, मार पिटाई, मैं तो एक भी परिदृश्य नहीं देख पाई, लेकिन बार बार मैं समझ रही हूँ कि पेच फंसा हुआ है, अटका हुआ है। भाई दो बहुत सक्षम नेता है मध्य प्रदेश में भी राजस्थान में, रागनी आपने देखा नहीं, बहुत ही सशक्त नेतृत्व, छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता भिड़ गए, अगर 4 के बजाय 6 बजे आ जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा क्या दिक्कत। आज कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो नारे लगा रहे थे, अशोक गहलोत ने जाके शिकायत की राहुल गांधी से, उसके बाद फिर उनको चुप कराया गया कि भाई सचिन पायलट के समर्थन में इस तरीके से नारेबाजी न की जाए, अशोक गहलोत को बुरा लग रहा। आलोक जी कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, किसने किसका सर फोड़ा रोहित जी, ये मैं फोड़ा नहीं लिखा गया। मैं तो ये कह रही हूँ रोहित जी कि अगर सर फुटौल का कोई परिदृश्य हो तो वो दिखाया जाए, नहीं है। रागनी, हो सकता है कि भाई नारेबाजी के बीच में थोड़ी बहुत गहमा गहमी हो गई हो, लेकिन उसका ये निष्कर्ष निकाला जाना, रागनी नेतृत्व में फूट है। रागनी जी, 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 कुछ शब्द होते हैं में कोई कमी दिखाई, रागनी जी आप निष्कर्ष जरूर निकाल, कुछ शब्द होते हैं उनके राजनीतिक अर्थ होते हैं, फिर भी आपको तस्वीर देखनी है, टीवी पर चल रही है, आप देखिए, ध्यान से देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आलोक जी से कमेंट दे रहा हूँ, फिर शरद के पास चलेंगे। बोलिए आलोक जी। देखिए ऐसा कोई नहीं, कांग्रेस में पहले भी नेताओं की प्रतिद्वंदिता होती थी। अरे एक मिनट कुछ तो कहने दीजिए थोड़ा सा। अरे मैं तो आप ही बात कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक उसमें असहमति होती है, लेकिन ये है कि लोग गरिमा जिस तरह से चुन करके आए हैं और इसलिए शायद बाद में शांत किया गया रोहित जी, ये भी सही है कुछ जगह, लेकिन तीनों राज्यों में बड़ी प्रतिद्वंदिता, चूंकि नेता जब तय नहीं पहले से था इसलिए ये स्वाभाविक है। बल्कि मैं आपको अभी ध्यान दिलाना चाहता था, पहले भी हम जो चर्चा कर रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये तो जीते, मतलब जो कहें उनका नाम तो कमलनाथ का था ही, अजय सिंह जो अर्जुन सिंह के बेटे हैं, उनके लिए एक विधायक ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, अजय सिंह भी चुनाव लड़े, चूंकि अजय सिंह कल तक प्रतिपक्ष के नेता थे मध्य प्रदेश। यहाँ पर सीपी जोशी छत्तीसगढ़ में हैं, इसी तरह से वहाँ पर भूपेश बघेल, सिंहदेव और तीसरा नाम साहू जी का, तो तीन बड़े कद्दावर ऐसे हर जगह राज्य के नेता हैं और उनके कार्यकर्ताओं भिड़ल। लेकिन जो चैनल चागनी जी, इस बात को आप मानिए कि असहमति है उसको किया, लेकिन ये सार्वजनिक रूप से दिखाई दे इसके लिए नेताओं का या उनकी पार्टी के दायित्व तो है कि वो उसको कैसे शांत रखे, इसीलिए इतनी बैठक चल रही है। लेकिन विधायक तक ने, आप देखिए दिग्विजय सिंह जी अभी बोल रहे थे, उन्होंने साफ नहीं कहा, उन्होंने बाकायदा कहा कि हाँ जो अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके पुत्र ने बाकायदा 30 विधायकों के साथ कल बैठक की बाकायदा, और उसके बाद भी उनका भी मानना है कि ठीक है हमारा भी एक स्ट्रेंथ है, तो नेचुरली सब अपना शक्ति परीक्षण हो रहा है, इसको आप शक्ति परीक्षण कह लीजिए, सिर्फ फुटबॉल मत कहिए, लेकिन पहले ही शक्ति परीक्षण हो रहा है जहां बहुमत नहीं है किसी के पास, दोनों राज्यों में केवल छत्तीसगढ़ में बहुमत है स्पष्ट, यहां पर कौन चला पाएगा ये संकट है। हम भदौरिया से कमेंट, उसके पहले एक बार शरद के पास चल रहे हैं जयपुर। शरद, खींचतान नहीं है ये कहना जायज है क्या? क्योंकि खींचतान है, दिख रही है और खींचतान है, इसीलिए तो फैसला खींचता जा रहा है ना, वरना अब तक ऐलान हो जाता। देखिए रोहित, अगर सचिन पायलट अगर नहीं बनते हैं तो यहाँ किस तरह से हंगामे की स्थिति पैदा हो सकती है। पूरे जयपुर शहर में सिक्योरिटी लगाई गई है, यहाँ भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, हालांकि सचिन पायलट के घर से बाहर नेता बार बार निकल रहे हैं और समझा रहे हैं कि हंगामा मत कीजिए, अभी सचिन पायलट रेस में है। लेकिन बड़ी खबर बता दूं रोहित, जो हमें जयपुर में मिल रही है, 7:45 की फ्लाइट से 6 लोगों का टिकट बुक किया गया था, जिसमें सचिन पायलट, अशोक गहलोत थे, दोनों साथ आ रहे थे प्रभारियों के साथ,
लेकिन अब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के लिए जो निकल गए थे उन्हें वापस बुला लिया गया है, एक बार फिर से राहुल गांधी मिलना चाहते हैं। तो हालात अभी जस का तस बने हुए हैं। जिस तरह के हालात कल सुबह 11 बजे शुरू हुआ था वो अब शाम को 5:10 हो चुका है, लेकिन हालात में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वापस से एक बार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी दोनों नेताओं के साथ बैठना चाहते हैं। पेंच फंसा हुआ है, दोनों में से कोई भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हुआ है। हालांकि ये पुख्ता हो गई हमारे सोर्स से कि 7:45 की फ्लाइट से कांग्रेस ने 6 टिकट बुक कराए थे अपने नेताओं के, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत का भी था, लेकिन फिलहाल अभी तक डेडलॉक टूटा नहीं है। और अब माना जा रहा है कि आखिरी मीटिंग है ये जो एयरपोर्ट के रास्ते से उन्हें वापस बुलाया गया है, इसमें कोई ना कोई फैसला हो जाएगा और आज रात ही ऐलान किया जाएगा, ये कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस तरह से लोग जुटते जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रहा है कंट्रोल करना। जयपुर शहर में इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है, कांग्रेस के दफ्तर को तो मानो छावनी बना दिया गया है कि कहीं हालात बदतर ना हो जाए। तो कांग्रेस के प्रवक्ता भले ही कह रहे हो कि मनमुटाव है, लेकिन अगर आप ये बताइए कि अगर सचिन पायलट नहीं बनते हैं तो क्या आप लोग अशोक गहलोत के नाम पर राजी नहीं हो सकते? चलिए वापस आते हैं। शरद, क्या करेंगे आप? आंदोलन कर देंगे। आंदोलन कर देंगे? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो वहां पर खड़े हुए हैं और कांग्रेस के नेता टीवी पर कह रहे हैं कि नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह है। वापस आते हैं, अभी कांग्रेस के नेताओं से पूछेंगे सवाल, लेकिन उसके पहले एक बार कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली विक्रांत के हमारे साथ संवाददाता मौजूद हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं जल्दी से। विक्रांत, वहां क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और आगे क्या तैयारी? ये देखिए, राहुल गांधी इस वक्त भीतर हैं, सोनिया गांधी भीतर हैं, प्रियंका गांधी भीतर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राहुल गांधी के घर पर हैं, दीपक बावरिया जो कि प्रभारी हैं वो अंदर हैं और एके एंटनी जो पर्यवेक्षक हैं वो अंदर हैं। इसके पहले सोनिया गांधी और सिंधिया यहां पर मौजूद थे, दोनों में अकेले तकरीबन 30 मिनट तक बात हुई, फिर राहुल गांधी आए और उसके बाद प्रियंका गांधी भी आई। तो जो माना जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि कमलनाथ और अशोक गहलोत भले ही रेस में आगे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से रहें, कोई नाराज ना हो, इसलिए सारी कवायद की जा रही है। इसी वजह से देरी हो रही है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बात अहम यह है कि अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं सब कुछ स्मूथ तरीके से कर पाने में, इसीलिए वक्त लगातार लिया जा रहा है। आशुतोष, लगातार हमने कल भी एक सर्वे दिखाया, आज सुबह से भी हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअसली इस पर।